चार भाई हेलमेट पहनकर एक ही मोटरसाइकिल पर क्यों जा रहे हैं, वजह क्या है? हम चारों भाई हैं जी, काम पे जाते हैं, पहले एक को ड्रॉप करते हैं फिर दूसरे को फिर तीसरे को। भाई और सब ने हेलमेट पहना हुआ है। गुर्बत इतनी है, चार बाइक है थी। अच्छा। अल्लाह का शुक्र था, जैसे ही निगरान हुकूमत आई है पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। अच्छा। अफोर्ड नहीं कर सकते, अब सेल करके घर का राशन एक से किया है। अच्छा। अफोर्ड एक से हमने तेल डलवाना है, ठीक है बिल आ जाते हैं, कहाँ से करने, चार बाइक तो नहीं चला सकते। यानी कि सबके पास बाइके हैं, खड़ी है, तेल ही ना अफोर्ड होता मेरे भाई। अच्छा, तेल अफोर्ड नहीं होता। तो कहाँ कहाँ काम? ये जो भाई हैं एंड पे बैठे हैं, ये शालमी में होते हैं दुकान, शालमी में जी। फिर वो आगे हैं उर्दू बाजार, ये एक स्टॉल उर्दू बाजार में स्टॉल लगा, स्टॉल लगाता है। फिर ये लक्ष्मी चौक पे एक दुकान पे होता है, इसको उतार के फिर मैंने जाना है लिबर्टी वाली साइड। वार्डन वाले आपको रोकते नहीं है? चार भाई जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं, अगर रोक ले तो। वैसे तो हेलमेट पहने होते हैं, कहीं भी चोट लगे इंसान बच सकता है, लेकिन जब दिमाग पे लगे तो फिर तो 100 मसले हो जाते हैं। हैंड ब्रेज दिमाग का मसला बन जाता है, आंख है वो भी नाजुक है, दांत है वो भी नाजुक है। अच्छा, ये चारे भाई हेलमेट पहनकर बाइक के ऊपर बैठे हैं, लेकिन हमने इनको रोका है कि चार भाई हेलमेट पहनकर एक ही मोटरसाइकिल पर क्यों जा रहे हैं, वजह क्या है? सामलीकुम भाई, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है उस्मान। जरा ऊंचा बोलो। उस्मान नाम है। अच्छा उस्मान भाई, चारों कौन हो आप? हम चारों भाई हैं जी, काम पे जाते हैं। अच्छा। थोड़ा सा जैसे जैसे काम पे दफ्तर से जाते हैं, पहले एक को ड्रॉप करते हैं फिर दूसरे को फिर तीसरे को, फिर मैं अपने काम पे जाता हूं। अलग अलग बाइक नहीं है एक ही भाई, और सब ने हेलमेट पहना हुआ है। की गुर्बत इतनी है, चार बाइक है थी। अच्छा। अल्लाह का शुक्र था, जैसे ही निगरान हुकूमत आई है पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। अच्छा। अफोर्ड नहीं कर सकते, अब सेल करके घर का राशन एक से किया है। अच्छा। अफोर्ड एक से हमने तेल डलवाना है, ठीक है बिल आ जाते हैं, कहाँ से करने, चार बाइक तो नहीं चला सकते। चारों भाई हो जी, पहले एक को उतारोगे दुकान पे फिर दूसरे को फिर तीसरे को, यानी कि सबके पास बाइकें हैं, खड़ी है, गाड़ी है, तेल ही ना अफोर्ड होता मेरे भाई। अच्छा, तेल अफोर्ड ज़्यादा महंगा हो गया इसी वजह से। अच्छा, तो कहाँ कहाँ काम करते हैं? ये जो भाई हैं एंड पे बैठे हैं, ये शालमी में होते हैं दुकान, शालमी में जी। फिर वो आगे हैं उर्दू बाजार, ये एक स्टॉल, उर्दू बाजार में स्टॉल लगा, स्टॉल लगाता है। फिर ये लक्ष्मी चौक पे एक दुकान पे होता है, ठीक है इसको उतार के फिर मैंने जाना है लिबर्टी वाली साइड। वार्डन वाले आपको रोकते नहीं है? चार भाई जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं, अगर रोक लें तो। वैसे तो हेलमेट पहने होते हैं, माल पे नहीं। हेलमेट क्यों पहने हुए हैं? बाइक एक है फिर भी वॉलेशन नहीं कर रहे हैं पुलिस की, डरते हो क्या हो के वार्डन वाले रोक? अब देखे रोकते भी हैं, वो हेलमेट पे पाबंदी भी करते हैं, इसलिए हमने चार भाइयों ने हेलमेट लेना मुनासिब समझा। अच्छा। देखें फिर भी वॉलेशन ना करें, अपना कानून को मद्देनजर रखते हुए, कानून को तोड़े ना तोड़े, हाथ में ना ले, सब ने भाई हेलमेट पहने। जी बिल्कुल, हेलमेट अपना क्या कहते हैं, सब अपने अपने ही है, अपने नहीं है अपने हेलमेट। कभी हुआ है चलान? हो जाता है बाज़ बाज़, कई होते हैं सख्त होते हैं, कर ले जी, वार्डन वाले भी सख्त होते हैं, नहीं रिक्वेस्ट मानते। अच्छा। कहते हैं जी करना ही करना है, आप लोग चार हैं डबल, ये तो नहीं कहते कि सब ने हेलमेट पहने हुए डकैत हो या चोर हो। नहीं नहीं, हम उतार के दिखा देते हैं कि जी हमारा आईडी कार्ड है, आप अपने जो मशीन है उस पर मोबाइल पे आप ट्रेस कर लें, हमारे पे कोई वारदात नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है। अच्छा, वालदैन है आपके? उन्होंने कहा कि हेलमेट पहन के जाया करो, वो ही तो कहते हैं कि हेलमेट पहना करो, हेलमेट पहना करो। जी जी, जान की सेफ्टी होती है, बच जाता है इंसान। अच्छा, कहीं भी चोट लगे इंसान बच सकता है, लेकिन जब दिमाग पे लगे तो फिर तो 100 मसले हो जाते हैं। हैंड ब्रेज दिमाग का मसला बन जाता है, आंख है वो भी नाजुक है, दांत है वो भी नाजुक है, तो इसलिए चेहरे की सेफ्टी होनी चाहिए। चार भाइयों ने, सबके पास अलग अलग बाइक थी, लेकिन जब से पेट्रोल 350 तक पहुँच गया, फिर उन्होंने कहा कि हमने एक ही बाइक यूज करनी है, बाकी की तीन बाइकें इन्होंने गढ़ में खड़ी कर दी है। वो कहते हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा है, हम चार बाइकें यूज़ नहीं कर सकते हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, इसलिए हम एक बाइक पर चारों भाई जाते हैं और सबको बारी बारी उनकी दुकान पर उतारते हैं, और उसके बाद फिर हम घर जाते हैं। हेलमेट इसलिए पहनते हैं कि वॉलेशन ना हो जाए, जहां पर हमें वार्डन हजरात रोकते हैं वहाँ से हम चालान से जो है ना बच सकें, इसलिए हेलमेट पहनते हैं। उसके अलावा हिफाजत के लिए भी हेलमेट पहनते हैं, क्योंकि माँ बाप इनको कहते हैं बेटा चार भाई एक बाइक पे जा रहे हो तो हेलमेट लाजमी पहन के जाना, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो आप लोगों के लिए हेलमेट ज़रूरी है। तो भाई जान आप लोग भी कुछ बोलते हैं कि नहीं? जी जी बोलते हैं। अच्छा बोलते हैं, चारों भाई एक ही हेलमेट पे, एक ही बाइक पे जाते हैं? जी बिल्कुल, एक ही बाइक पे जाते हैं, एक ही बाइक पे जाते हैं। हाँ जी। आप उर्दू बाजार में होते हैं? जी उर्दू बाजार में। अच्छा, उर्दू बाजार में
स्टॉल लगाते हैं। हाँ जी, कापियों पेंसिलों का। अच्छा अच्छा अच्छा, कापियों पेंसिलों का। हाँ जी, एक ही बाइक यूज करते हैं। एक ही बाइक यूज, अपनी बाइक घर में खड़ी कर दी। हाँ जी हाँ जी, पेट्रोल अफोर्ड नहीं ना होता इस वजह से। ये वीडियो देखने की नौबत भी थी हमें, जो हमें मिल गई, हमने देख लिया चारों भाइयों को पेट्रोल की वजह से एक बाइक यूज कर रहे हैं, एक बाइक पर आते हैं जाते हैं, और हेलमेट सबने पहना होता है। तो बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह।